अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग यहाँ पे कैनेडियन मुस्लिम फ्रेंड्स और पाकिस्तान मुस्लिम फ्रेंड की तरफ से लोगों की मुश्किलात को जानने और जिस कदर उनकी मदद हो सके उसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। और हमारे साथ इसमें हमारी मामनत, हमारी मदद जो है वो दावत इस्लामी वाले कर रहे हैं, हमारे FGRF वाले भाई हैं। हम पहले भी इनके साथ कुछ मामला कर चुके हैं लोगों की हेल्प के लिए। ये हमारे वकास भाई हैं और आपको मोहम्मद अजीम साहब, ये हमारे साथ हैं। और ये कुछ इलाका के लोग हैं जिनके घरों को भी नुकसान हुआ है, जिनके कारोबार को नुकसान हुआ है, इसके हवाले से इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हमारा नाम इस्माइल है जी, सामने शेगई वाला घर है, इलाका है हमारा, सारा तबाही हो गया, सारा घर तबाही हो गया। नहीं, आपका घर कहाँ मौजूद है? हमारा घर वो सामने मौजूद है, ये जरा उधर देखिए, ज़ूम करना है। ये पानी ये तो दरिया के अंदर लग रहा है, किनारे पे है, दरिया के किनारे पे है। तो ये सारा घर आपका खत्म हो गया? आप ये बताएं कि आपके इस घर को दोबारा बहाल करने के लिए क्या किया जाता है? जो अभी जो जैसे हुकूमत ने बताया वैसे नहीं, हुकूमत तो अपने मामला अपनी जगह रखती है ना, हम तो अपने ज़ाती तौर पर यहाँ पे आए हैं। हम लोग हम एक तंजीम चला रहे हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम फ्रेंड और कैनेडियन मुस्लिम फ्रेंड, उसमें हम लोग मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ तरीक़ों से मदद करते हैं। तो उसी चीज़ के साथ लेते हुए हम लोग यहाँ पे आए कि यहाँ जो हमारे भाई मुश्किलात में फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए कुछ मामला किया जाए। आपका जो घर गया है उस हवाले से गवर्नमेंट ने आपको अभी तक क्या दिया है, या आपके साथ क्या तावन हुआ है, खुराक के हवाले से क्या तावन हुआ है, कुछ मिला है खुराक के हवाले से? वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से मिला है या ये जो आवाम की तरफ से या जो दूसरी तंजीमें आ रही है? गवर्नमेंट की तरफ से आपको अभी तक कुछ नहीं मदद हो रही? फिलहाल कुछ नहीं मिला। अच्छा, अब घर बनाने के लिए आपको क्या मदद चाहिए होगी? मुझे कोई शटर का जरूरत होगा। किसका? शटर का। शटर का और कोई घर का सामान वामान का जरूरत होगा, बर्तन वर्तन। कितने बच्चे हैं आपके? हमारा 9 बच्चे। 9 बच्चे, ठीक हो गया। आप जब ये सैलाब वाला मामला बना और पानी आया काफ़ी ज़्यादा तादाद में, तो आपका घर और आप जहाँ रहते हैं वहाँ के मामला किस तरह के हैं, लोगों के क्या नुकसान हुए हैं, घरों के हुए हैं, कारोबार के हुए हैं, उनको कितने क्या मामला हुए? गाँव है रामेट नाम है, वो थोड़ा सा दरिया से थोड़ा ऊपर है, तो हमें सिर्फ पहाड़ पे हमें सिर्फ हमारे कुछ फसल लोगों की तबाह हो गई है रास्ता ना होने की वजह से, और कई दिन बारिश होने की वजह से, और ये दरिया के साथ ही है कि घर थे जिसकी खेती बाड़ी थी, जिसकी दुकान थी, जिसकी गाड़ी थे, वो सारे सारे तबाह हो गए। अभी आपके अंदाजे में आपके जो गांव में घर हैं उनकी तादाद कितनी है? हमारे अपने महल की बात करूँ तो मतलब 60-65 तक घर होंगे, और पूरा जो इलाका है अभी ये जो एक महला है ना, और पूरे इलाका जो हमारा रामेट है उसका तो बहुत यानी हज़ारों की तादाद में घर है। लेकिन आप अपने इलाके की बात करें जहाँ पे आपकी रहाइश है और उसके एरिए में कितने लोग रहते हैं, तकरीबन आपकी क्या मामला? तकरीबन 60 से ऊपर है, और बस यही रास्तों की मुश्किल झेल रहे हैं, और इसके अलावा मतलब जो कारोबार था वो भी मुतासर हो गया है, इसकी फसलें काटी थी वो जो बारिश की वजह से रुक गए, फिर सलाब आ गया, रास्ते बंद हो गए, तो खराब हो गई। अब ये जो 60 लोग आप बता रहे हैं, 60 घर जो बता रहे हैं आप, इनके हवाले से मुश्किल ज़्यादातर राशन की मुश्किल है, और इसके अलावा इसके अलावा बस यही है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारी तंजीमें आ रही हैं, अलग जगह वाले आ रहे हैं, खुद काफ़ी लोग आ रहे हैं यहाँ पे, और मुख्तलिफ चीज़ें लेके आ रहे हैं, कोई राशन लेके आ रहा है, कोई खुद लेके आ रहा है, तो राशन यहाँ पे आपके इलाके तक अभी पहुँचा है? चल, एक लोगों को फ़ोन भी किया है यहाँ मरकजी शहर का, बाकी चले इंशाल्लाह ताला। ये हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादातर मामलात हैं वो दरिया के किनारे जो रहायशी लोग हैं ना उनको नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और ये जो इनका मेन बाज़ार है यहाँ तक पानी कहते आ गया था, और दो दो मंजिल तक जो है ना वो पानी की बुलंदी थी। तो अब हम मज़ीद आगे जाएंगे, आगे भी
وزٹ کریں گے اور دیکھیں گے مزید کیا اس میں نقصان ہوگا. جی السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا؟ کریم. کریم کریم داد. جی میں کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہیں؟ اچھا آپ کا گھر کدھر ہے؟ ہمارا گھر جی گھر کے ساتھ. کیا آپ اسی لائن میں ہیں؟ آپ کا بھی گھر مکمل طور پہ؟ تو ابھی آپ کے جو گھر کے آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے آپ کی کیسی مدد ہوگی؟ آپ کے معاملہ لوگوں نے جو کرنا ہے آپ نے. نہیں دیکھیے بات پتہ کیا, ہم لوگ مدد اللہ نے کرنا ہے, ہم نے کوشش کرنی ہے, ہمارے اختیار میں کوشش ہے, مدد اللہ پاک نے کرنا ہے, ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں علم ہوگا. آپ کو ماچس چاہیے, آپ کو لائٹر چاہیے, آپ کو سوئی چاہیے, آپ کو داغا دیے, پھر ہم کچھ کر سکیں گے نا. آپ کو کیا مدد, کس قسم کی مدد چاہیے کہ آپ کی گھر کی بات ہو؟ گھر بھی بحال ہو جائے, ہم نے جو کچھ کیا آپ آگے کریں گے, کچھ کر رہی ہیں جو کچھ ہوگا. کھانے پینے کا سلسلہ کیسے چل رہا ہے آپ کا؟ کھانا بھی آپ تو ہم یہیں پہ, یہاں پہ کدھر؟ یہیں پہ ہوٹل پہ. اچھا وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ وہاں ہوٹل پہ ہوتے ہیں. اچھا باقی گھر والے کدھر آپ؟ گھر والے اسکول میں, کیمپ میں جو وہ گورنمنٹ نے لگایا گھر. تو مزید ہم آگے جائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہمیں یہاں پہ انفارمیشن ملتی ہے اور ہم لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جزاک اللہ. یہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں اور وہ معاملہ ڈسٹرب ہوئے ہوئے ہیں, اس کے لیے ہم ان کے گاؤں کو وزٹ کر رہے ہیں. بوتل میں جاؤں گا آرام سے, آرام سے, آرام سے, آرام سے. محسن بھائی یہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دریا پار کرنے کے لیے یہ عارضی طور پہ سسٹم بنایا گیا ہے. ابھی ہم بھی اسی کے تھرو دریا کراس کر کے آئے ہیں. اور یہاں پہ کوئی 17-18 مکانوں کا ایک گاؤں ہے, وہ دور وہاں پہ جانے کے لیے اور رستہ کوئی نہیں ہے, تو اب ہم ادھر اسی طرف جانے کے لیے. جی السلام علیکم, جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہم لوگ ایک گاؤں جو سلاف متاثر ہے, یہاں پہ 17-18 گھر بتا رہے ہیں موجود ہیں. وہاں کے ایک مکین ہے, کیا نام آپ کا؟ محمد اسماعیل. محمد اسماعیل بھائی سے ہم ہماری بات پہلے بھی ہوئی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ آپ میرے گھر چلتے میرے گھر کی وجہ دیکھ لیں, تو ان کے کہنے کے اوپر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کافی کوئی آپ کو دکان کے حالات ہمارے ختم ہو گیا. ہاں تو اسماعیل بھائی نے بہت آپ کا آپ اوپر رہ رہے ہیں. یہ بھی ڈیمیج ہوا ہے نا اور ساتھ جو ہے نا یہ میرا پانچوں کا گھر تھا وہ تو مکمل کیا ہے, اس کا کوئی نام و نشان میں نہیں رہی ہے. تین منظر گھر کا. السلام علیکم, میرا نام کاشف اور میں
से आए हैं किराए पर नहीं, और ये इलाका दरिया का है जिसमें लोग बहुत मुतासर हो रहे हैं। पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी इनके नुकसान हो रहे हैं। इसकी हमने वीडियो और तस्वीरें ली हैं ताकि तमाम हमारे जो डोनर हैं और जो दोस्त हैं भाई जितनी ज़्यादा हो सके आप मदद करें ताकि इसे हम दावन करके जिंदगी दोबारा बहाल कर सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह ये गाड़ी मदीन पहुंच गई है। सलाम मुतासरीन के लिए राशन लेके अब इंशाल्लाह ताला इसको हम सुबह डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेके जाएंगे और दुआ करते हैं कि हकदारों को। जी अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी आटे की एक गाड़ी लोड हो गई है, दूसरी गाड़ी अभी लोड हो रही है, और इसके अलावा ये हमारी राशन की एक गाड़ी है। एक गाड़ी लोड हो गई है, एक गाड़ी इसके बाद लोड होगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये चार छोटी गाड़ियां हैं, छोटे मजदे हैं ये, इनके ऊपर ये सामान जाएगा क्योंकि ये जिस एरिया में हम जा रहे हैं वहाँ। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये हमारी तंजीम की तरफ से राशन की जो तरकीब बनाई गई है और इसमें हमारी मामनत कर रहे हैं FGRF वाले, दावत इस्लामी वाले, इसको मुस्तहकीन तक पहुंचाने के लिए, तो हम FGRF वालों का बहुत शुक्रगुजार हैं जो हमारे लिए वो आसानी पैदा कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने जज़ाए खैर दे। ये हमारी दूसरी गाड़ी आटे वाली है और राशन की भी दूसरी गाड़ी जो है वो लोड होने जा रही है, तो इंशाल्लाह। जी ये हमारी दूसरी गाड़ी है, राशन की लोड हो रही है और दोस्त अल्लाह पाक राना साहब को से तंदुरुस्ती दे, तमाम दोस्तों को से तंदुरुस्ती दे जो इस अमल में हिस्सा ला रहे हैं, और स्पेशली शाहिद रियाज मुगल साहब जिनकी विजन के हम काम करते हुए इस तरफ आए हैं। अल्लाह पाक उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे और तमाम दोस्तों को मुश्किलात से दूर रखे, किसी का मोहताज ना करे। हमें जी अस्सलाम वालेकुम। ये एक नंबर गाड़ी है जिसमें हमारा आटा लोड है, ये दो नंबर गाड़ी है जिसमें हमारा आटा लोड है, और ये हमारी तीन नंबर गाड़ी है जिसमें हमारा राशन लोड है, और ये हमारी चौथी गाड़ी है जिसमें राशन लोड किया जा रहा है। जिस रोड पे जा रहे हैं सारा टूट फूट का शिकार है और बुरा हाल है यहाँ पे। Thank you.
आप लोग ये रोड के हालात देख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन आएगा? अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह पाक रहम करे, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर, या अल्लाह खैर। तीन गाड़ियाँ चली गई हैं, ये अब एंड पे चौथी रह गई है। ये बहुत डेंजरस हिस्सा है। आ जाओ यार, राणा साहब आ जाए, तनवीर आ जाओ। चलो चलो के राणा साहब, चलो 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 चल दे, चलो। गाड़ी जो कार है उससे हमें उतार दिया उन्होंने, वो बोल रहे हैं कि ये कार यहाँ नहीं चढ़ेगी, तो आप लोग पैदल आगे जाएं। तो हम आगे की तरफ जा रहे हैं। ये गाड़ी आ रही है जिससे हमें उतार है उन्होंने। गाड़ियों के वजन को बैलेंस करने के लिए रुके हैं ताकि ऊपर चढ़ने में आसानी हो। ये हमारे एक, दो, तीन और चार। स्टेशन आप देख रहे हैं, अब हमें जगह जगह से उतरना पड़ता है ताकि गाड़ी हाइट पे जा सके। अब ये वो देखें, सामने ट्रक है, लोडेड ट्रक है, और उसको जाने में कितनी मुश्किल हो रही है। तमाम ट्रक यहाँ आके रुक गए थे और अब वो आगे मूव करने के लिए एक एक ट्रक करके मूव कर रहा है। अभी यहाँ का रास्ता भी काफ़ी ख़राब है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुमुस्सलाम रहमतुल्लाह। हमारे तमाम भाई जो मुश्किल में हैं, हम उनकी मदद के लिए लाहौर से आए हैं। हमारे भाई शाहिद रियाज मुगल साहब जो कनाडा में मौजूद हैं, वो वहाँ पे आपके लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं ताकि आप लोगों की ज़िंदगियों में जो मुश्किलात हैं उनको कम किया जा सके। और उसका पहला स्टेप हम लोगों ने राशन की सूरत में लिया है, जो हम आज आपके पास लेके आए हैं। और इसके बाद हमारी कोशिश होगी कि हम लोग जिन लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है उनकी मदद के लिए भी काम करें। आप लोगों से दरख्वास्त ये है कि जब कोई आपके पास अपनी मदद, आप लोगों की मदद के लिए आता है, तो उसके साथ तावन करें और एक नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें, और जिसको उसको मिल जाए वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जिसको ना मिले वो सब्र करे, क्योंकि सब्र करने वाले के साथ अल्लाह होता है। और जब आप लोग सब्र करेंगे और हम लोग जाके दूसरे लोगों को पैगाम देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी मदद के लिए यहाँ आएंगे। तो आप लोगों को चाहिए कि जो दोस्त, जो भाई आपके लिए यहाँ पे चल के आते हैं ताकि आपकी मुश्किलात कम हो सके, उनके साथ तावन करें, और इसके साथ साथ अपने रब का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मुश्किल और तकलीफ के वक्त में साथ खड़े होते हैं। और ये हमारा, हमारे मुल्क का एक फख्र है कि हमारे लोग इस तरह के मामलों में कभी पीछे नहीं हटते। तो फिर एक दफ़ा, आखिरी दफ़ा गुजारिश करूंगा, क्योंकि अभी तकसीम का मामला शुरू होना है, तो आप सबसे गुजारिश है कि तहम्मुल से और नज़्म व ज़ब्त से करें ताकि हम लोग जाके बताएं और मज़ीद लोग आपकी मदद के लिए यहाँ पे आए। बहुत शुक्रिया। कनेडियन पाकिस्तानी मुस्लिम फ्रेंड्स, CMF दाद कनाडा अल तक कम जमन मुसलमान अंदरून दी अगो वे जे जमन द पाकिस्तान औ ब्या खास कर द स्वात आवाम फसेलाब के मुतासिर छे दे इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तबाह दे रोडो मुकम्मल तबाह दी नदी पंचक्याने बारान औ सैलाब वड़ी दी नदी जरंदे वड़ी दी कोरोना नड़े दली दी मंगा दीता चौंक रोजगार ददी मुतासिर छे दे लखन तक खुराक फूड पैकेज पर शकल के रावड़े दे और ब्या बम रावड़ू तो इंशाल्लाह दी बताता पता खबर कई ताकि नुमा जता उस आलम फैसल भाई, फैसल भाई बता उस खबर कई इंशाल्लाह और तो फैसल भाई दा खबर है खपा खबर सर और इजार कई जनाब हजरत मौलाना
جمیل شاہ قادری مدد اللہ بسم الله الرحمن الرحيم ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. جزاكم الله زما سامعین کرام کشران مشران رونو الحمدللہ نن زمون دا کم ریلیف دا تستاسو دی علاقہ دا راغب الحمدللہ بالخصوص سم مشکور یما آپ اللہ گران ملمانو نا شاید مغل صاحب دیس راز من فیصل بھائی ازمون دا ٹیم پورا ٹیم چیز دی اردو میں ذرا اردو میں بول رہی ہوں الحمدللہ رب العالمین آج اپنے ٹیم کی طرف سے اب سب لوگوں کے لیے یہاں جو پیکج لے کے آئے ہیں یہ صرف اور صرف یہاں کے متاثرین کے لیے ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ یہاں کے یہی ہے مزید بھی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے تاکہ آپ سب کو دیں گے انشاءاللہ اور ہمارا یہ ہدف ہے یہ ہمارا سوچ ہے یہ ہمارا ویژن ہے کہ اس علاقے میں جتنے بھی غریب لوگ ہیں یہ سارے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں ہم ان کے گھر گھر پہنچائیں گے انشاءاللہ تعالی اور میں اپنے اس ٹیم کے بالخصوص شہاب مغل بھائی اور اس کے ٹیم کے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ لاہور سے تشریف لائے یہاں اور یہاں ہمارے اس علاقے کے متاثرین کو وہاں سے لاہور سے لے کر یہ بشگرام تقریباً 7-8 نہیں بلکہ 16 گھنٹے کا مسافت کر کے یہاں پہنچے ہیں کس کے لیے میرے اور آپ کے مدد کے لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی تعاون کریں ان کے ساتھ شاباش شاباش لالا زندہ باد جمیل بھائی یہ رکیں گے کہ جائیں نہیں نہیں رکنا دوبارہ جی تم دے دے اٹھا تو بھی اللہ اللہ نے کہا تھا مانو آج